जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र कवि राहुल नागपाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। और बातचीत यह है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का जो चुनाव है वो सर पर है और यहाँ जनवरी में किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। लगभग 1.5-2 महीने का समय शेष है। ऐसे में चुनाव को लेकर के हमारी जो तैयारियां हैं, दिल्ली सरकार की तैयारियां हैं, चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, वो लगभग पूरी हैं और हर आदमी वोट डालेगा कहाँ और कैसे और किस हाल में। हम लोग पिछले कुछ सालों के चुनावों का विश्लेषण यहाँ कर लेते हैं ताकि सीधी सीधी बात जो है वो समझ में आ जाए। दिल्ली में 15 वर्षों तक शीला दीक्षित जी की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही। उससे पहले 5 वर्ष यहाँ बीजेपी की सरकार रही, जिसमें मदन लाल खुराना चीफ मिनिस्टर रहे, साहेब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर रहे और जो अभी हाल ही में हमारी विदेश मंत्री रही थी पिछली सरकार में सुषमा स्वराज जी, वो मिनिस्टर। तीन मंत्री पाँच साल में बीजेपी ने 1993 से 1998 तक दिए। 1998 से लेकर के और अभी हाल के 2013 तक यहाँ लगभग 15 वर्ष कांग्रेस की शीला सरकार रही। उसमें बहुजन समाज पार्टी की भी एंट्री रही और 2008 का चुनाव था, उस 8 के चुनाव में जो मान्यवर साहब काशीराम के द्वारा तैयार किया हुआ समाज था, बहुजन समाज था, उसने बड़ी मजबूती के साथ यह चुनाव लड़ा और उसमें बहुजन समाज पार्टी को लगभग 15% वोट विधानसभा में मिला। 2 सीट बहुजन समाज पार्टी गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र और दूसरी एक संगम बिहार क्षेत्र पड़ता जहाँ से राम सिंह नेताजी जीते थे और यहाँ से चौधरी सुंदर कुमार जीते थे और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। 2 सीट कुछ सैकड़ों के माध्यम मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी हार गई थी। उसके बाद में निगम का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ 19% वोट मिला और 21 निगम पार्षद बहुजन समाज पार्टी के जीत करके आए। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफियाँ गिरना शुरू हुआ, पदाधिकारियों की गलतियाँ रहीं, क्या रही मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आरोप ये लगता रहा बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ गिरने पर कि जो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी जो दिल्ली में प्रभारी बना करके बाहर से भेजती है, उनको यहाँ की लोकल बेसिक जानकारी नहीं होती और यहाँ का जो आकर के वो सीधा सीधा मेंटेनेंस के नाम पे पैसा मांगते हैं, पैसा बना करके 6 महीने 7 महीने 8 महीने रहते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। आखिरकार 2013 का चुनाव नज़दीक आया तो चौधरी सुंदर कुमार जो हमारे गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे बसपा के, उनका टिकट काट दिया गया। समाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ उस बात को लेकर के, पूरी दिल्ली में असर हुआ और बहुजन समाज पार्टी आकर के खड़ी हो गई 1.5% वोट पर। दोबारा केजरीवाल साहब की यहाँ से एंट्री होती है 2013 के चुनाव से, वो 28 सीट लेकर के पहली बार में सरकार बनाते हैं। दूसरी बार में तब एक साल सरकार उनकी चलती है और चलने के बाद में जब सरकार गिर जाती है कांग्रेस के समर्थन से, सरकार कांग्रेस बाहर से समर्थन देती है, जब सरकार गिर जाती है तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर चुनाव होता है और चुनाव में फिर यहाँ बसपा की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है और लगभग 1% वोट पर आकर के बसपा पूरी दिल्ली में 1,00,000 वोट भी बसपा को नहीं पड़ता, जबकि गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में अकेले में 30,000 वोट चौधरी सुंदर कुमार को पड़ता है। उसके बाद केजरीवाल साहब 67 सीट जीत करके यहाँ CM बनते हैं प्रचंड बहुमत के साथ में। अब हम केजरीवाल साहब के कार्यकाल पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि केजरीवाल साहब का जो कार्यकाल रहा वो कांग्रेस और बीजेपी से हटके कैसे रहा, उसको इस देश का मूल निवासी समाज, इस देश का SC ST OBC समाज और ख़ासतौर से जो दलित समाज दिल्ली के अंदर रहता है वो किस नज़रिए से देखता है। तो पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि जो 2014-15 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में केजरीवाल साहब को जो 67 सीट मिली थी उसके पीछे कौन लोग खड़े थे, तो उसके पीछे खड़ा था मुसलमान, उसके पीछे खड़ा था दलित, उसके पीछे खड़ा था मोस्ट बैकवर्ड यानी बहुजन समाज, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, ST ST OBC और माइनॉरिटी। उसने एक तरफा एक मन बना करके एक मत एक एक मत जो है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिया, जिसके चलते केजरीवाल 67 सीट जीत करके सरकार में सरकार बनाने में कामयाब हुए। केजरीवाल को भी इस बात का एहसास था कि इस देश, इस राजधानी दिल्ली के दलितों ने, पिछड़ों ने और माइनॉरिटी के लोगों ने मुझे वोट दिया है। उन्होंने गरीबों को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई, उन्होंने चाहे पानी का मामला हो, लोग पानी के बिल बहुत ज़्यादा आते थे दिल्ली में और बिल के साथ साथ जब बिल आते थे तो लोगों को दिक्कत होती थी और भर नहीं पाते थे, लोगों के कनेक्शन कट जाते थे, तो उन्होंने कहा कि हम 500 लीटर पानी पर डे फ्री देंगे और वो अपने वादे पे पहले दिन से और आज तक अटे गए। देश की राजधानी में एक सर्वे के अनुसार लगभग 58% घरों में, झुग्गी झोंपड़ी में, स्लम एरियो में, गरीब बस्तियों में जहाँ खास तौर से दलित समाज रहता है, उन घरों के बिजली पानी के बिल जो है वो पिछले 5 सालों से नहीं आए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे और जो शिक्षा का मामला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि इस देश का हर नागरिक जो है वो शिक्षित होना चाहिए,
तो मैं इसके लिए केजरीवाल सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने क्षेत्र में काम किया और देश के जो राजधानी के जो दिल्ली के लगभग जो हजारों स्कूल हैं और जिनमें लगभग 55,000 टीचर हैं, उन टीचरों से उन्होंने और नई बिल्डिंग बना करके 10,000 नए कमरे बनाए हैं पिछले 5 साल में, और शिक्षा का लेवल जो उन्होंने बढ़ाया है वो काबिले तारीफ़ है। आज सरकारी स्कूलों का लेवल, मैं कहता हूँ कि दिल्ली की शिक्षा का जो विचार है, दिल्ली की शिक्षा का जो मैसेज है, वो देश के कोने कोने में, क्या केजरीवाल ने दिल्ली के क्षेत्र में काम हुआ और हमारे जो गरीब शोषित पिछड़े जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी यहाँ शुरू हुई है। तीसरा, बिजली का एक बड़ा मुद्दा था, बिजली प्रॉपर नहीं आती थी। आज 24 घंटे बिजली आ रही है, कुछ इलाकों में हो सकता है कम आ रही हो, लेकिन बिजली 200 यूनिट फ्री उन्होंने आम आदमी को दी है और 200 यूनिट के बाद में बिल जो है उनको दिया जाता है। अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ बिजली का बिल जो है पहले 5,000 आता था, अब 2,000 आ रहा है, जिनका 2,000 आता था उनका 1,000 आ रहा है और जिनका 1,000 आता था उनका नहीं आ रहा है, तो ये लोगों को बड़ी राहत मिली है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ रही कि महिलाओं के लिए जो DTC बस है, महिलाएं क्योंकि मेट्रो पर ज़्यादा लोड पड़ रहा था और बसों की तरफ से लोगों का ध्यान हट रहा था, इसलिए केजरीवाल सरकार ने बात को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार महिलाओं को कम से कम सुविधाएं मिल सके, तो महिलाओं वो किसी भी समाज की हो, देश की 50% आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं के लिए उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में जो DTC बस है उसमें फ्री सफ़र उन्होंने दिया है, तो ये उनका तारीफ़ का काम है, इस बात के लिए, अच्छे काम के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। और जो सबसे बड़ा काम जो एक मैं यहाँ आपके साथ बताना चाहता हूँ कि जो दलित समाज के बच्चे हैं वो जब अगर विदेश पढ़ने के लिए जाते थे तो केंद्र सरकार उनको वजीफा देती थी, स्कॉलरशिप देती थी, उसमें बड़ी कंडीशन थी, 200 बच्चे हर साल भेजने का उनका पूरे देश से विचार होता था कि 100 बच्चे हम यहाँ से विदेश PhD के लिए भेजें, पढ़ने के लिए भेजें। लेकिन केजरीवाल सरकार ने, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जो कैबिनेट मंत्री है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस योजना को इतना सरल बना दिया कि कोई भी बच्चा दलित समाज का अब विदेश पढ़ने के लिए जा सकता है। दिल्ली सरकार उसको 20 लाख रुपये PhD के लिए और 10 लाख रुपये अन्य किसी कोर्स के लिए मुहैया कराती है, जिसमें किसी गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि पहले 100 रुपये के स्टाम्प पे सरकारी अफसर, वन क्लास अफसर लिख करके देता था, तभी ये सुविधा हो पाती थी केंद्र सरकार की तरफ से। तीसरी और चौथी और जो आखिरी में मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बड़े करीब रही है कि केजरीवाल सरकार ने ये कहा था कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अगर ये वीर सावरकर को पढ़ाएंगे तो हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने वीर सावरकर नहीं पढ़ाया दूसरी सरकारों ने, तो केजरीवाल सरकार ने उसके बावजूद ही बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को 6th, 7th और 8th तीन क्लासों में लगातार 3 साल तक बच्चे को, 7 लाख बच्चे 3 क्लासों में हैं, उन्हें लगा एक बाबा साहब की बुक 6ठी क्लास में पढ़ाई जाएगी, 7वीं में पढ़ी जाएगी और 8वीं में पढ़ी जाएगी। 6ठी क्लास में बाबा साहब के जीवन से लेकर के और बाबा साहब के जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें उनको बताई जाएंगी। 7वीं क्लास में बाबा साहब का संघर्ष, 8वीं क्लास में बाबा साहब का इस देश के लिए क्या योगदान है, उस प्रकार से उसके बाबा साहब को पढ़ाया जाएगा। तो एक बड़ी पहल है कि बाबा साहब को आने वाली पीढ़ी समझेंगी, और जो लोग अब तक बाबा साहब को महज दलितों का नेता या दलितों का मसीहा कहते थे, उनको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि बाबा साहब दलितों के नहीं थे बल्कि आज़ाद भारत के, आधुनिक भारत के पिता थे। तो ये अच्छी पहल केजरीवाल सरकार की तरफ से हुई है, उन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाने का काम हो, या अब दलित महापुरुषों के नाम पर जहाँ भी जन्मदिन मनाया जाएगा तो दिल्ली सरकार की तरफ से साउंड लाइट सब फ्री जो है वो दिल्ली सरकार देती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने, हमारी पूरी दिल्ली की टीम ने ये डिसीजन किया कि वो दोबारा मुख्यमंत्री ऐसे आदमी को बनना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो हमारी अपनी पार्टी है वहाँ दिल्ली में उसके पास कोई शेष बचा है नहीं, और हमने जब जब बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की तो उनकी अपनी प्लानिंग होती है, वो आम आदमी की सुनना नहीं चाहते। हमने कहा कि मैंने पिछले दिनों एक बड़े नेता से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा अगर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को आप मजबूत करना चाहते हो तो कम से कम इतना कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 290 बौद्ध विहार, रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, जाटव चौपाल, रविदास चौपाल, इस प्रकार से दलित महापुरुषों के नाम पर या उनके मंदिर हैं, लगभग 300 के आसपास हैं। उन 300 मंदिरों में आप जाइए, उनकी कमेटी से संपर्क कीजिए, उन कमेटियों को, इन सारों को इकट्ठा कीजिए और यहाँ से आप बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाइए। लेकिन वो ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, वो मतलब अपनी, उनके पास कोई खास प्लान है नहीं दिल्ली में, और अगर उनको कोई सलाह भी देता तो उसको मानने के लिए तैयार है नहीं। अब ऐसी स्थिति में ना तो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ मजबूत किया जा सकता है और ना ही बहुजन समाज पार्टी को यहाँ का जो दिल्ली का जो युवा जो वोटर है वो तैयार हो रहा है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। अब आज का जो वोटर है, जो अंबेडकरवादी वोटर है, जो मान्यवर साहब काशीराम को समझता है, बुद्ध कवि नानक रैदास फूले की विचारधारा को समझता है, वो सोचता है कि एक नागनाथ और एक सांपनाथ है, अगर हम कांग्रेस को वोट करते हैं तो, हालांकि लंबे समय तक हमारे लोग कांग्रेस को वोट करते रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कांग्रेस को वोट करते हैं तो सांप काशीराम ने कहा था ये तो हरी घास में हरा सांप है, BJP को तो हम कभी वोट कर ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो बेहतर विकल्प है वो केजरीवाल रह जाता है, तो हमने केजरीवाल सरकार को
उनके उज्जवल भविष्य के लिए और दोबारा चुन करके आएँ, इस आधार पर उनके काम को देखते हुए कि उनके काम जो हैं इस देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 5 वर्षों में जो मैंने आपको बताए, वो देश में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शिक्षित भारत की तरफ उन्होंने काम किया है, बाबा साहब ने पानी का संघर्ष किया तो उन्होंने पानी फ्री दिया है, बाबा साहब को उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया है, बाबा साहब के नाम से उन्होंने जयंती मनाई है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के महापुरुषों को ध्यान में रख करके उन्होंने अपनी सरकार 5 साल चलाई है। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने और हमारी पूरी टीम ने ये डिसीजन लिया कि आइए ऐसे मुख्यमंत्रियों को, ऐसे विकासशील मुख्यमंत्री को दोबारा, ऐसे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को जो हमारे हर आंदोलन में हमारे साथ खड़े रहे, चाहे वो भीम आर्मी का कोई आंदोलन रहा हो तो वो हमारे साथ खड़े रहे जंतर मंतर पर, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला रहा हो उसमें वो हमारे साथ खड़े रहे, लंबे हमारे साथ रहे, तो ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसे मंत्री को दोबारा रिपीट करने के लिए भीम आर्मी ने अपना समर्थन दिल्ली प्रदेश लेवल पर सुरजीत सम्राट राहुल नागपाल, सुनील सम्राट, अजय कुंडलिया जी और प्रिंस और हमारे तमाम जो 410 मेंबर 410 पदाधिकारी हैं और 1410 मेंबर हैं, उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के निवास पर जाकर के सैकड़ों की संख्या में उनको सॉल और भारतीय संविधान की शपथ दिलवा करके आप बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और इस देश के 85% समाज का आप भला करेंगे, इस आधार पर हमने उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना समर्थन दिया है। बाहर से हमारे किसी प्रत्याशी, किसी भी पदाधिकारी ने, किसी भी मित्र ने, किसी भी दोस्त ने कोई भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। तो अगर आपको ये हमारा डिसीजन सही लगा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें मुझे राय दें, अपनी राय दें, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ मुझे मेल करना ना भूलें, rahulnagpalofficial@gmail.com पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और ये मेरा चैनल है राहुल लाइव 85, जिस पर मैं जब भी कोई बात आपको, आपके साथ मुझे शेयर करनी होती है तो मैं इस पर आकर के करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं चाहता हूँ ये चैनल से जो मैं बात रखता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क के लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा विचार था, हम शायद कुछ अच्छा कर पाएँ, सोसाइटी को दे पाएँ, क्योंकि दिल्ली में बड़ी समस्याएं हैं हमारे समाज के साथ में, उन समस्याओं को सरकार के साथ बैठ करके सुलझाया जा सकता है। सरकार में जब लोग हमारे रहेंगे तो उनके साथ बैठ करके टेबल पर बैठ करके बात की जा सकती है। सरकार को गाली बक करके, और ऐसी सरकार जो हमारे लिए भला कर रही है हम उसको गाली बकें भी क्यों, हम मोदी जी से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो हमारा संघर्ष जारी है और मोदी जी को हटाने तक जारी रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भोले।